आज का प्रश्न पूछा है जया जी ने। उनका प्रश्न है कि मैं खाटू श्याम की पूजा करती हूँ और मैंने आपको गुरु बनाया है। आप शिव भगत हैं, आप हर बात भगवान शिव से जोड़कर करते हैं, तो कई बार मैं दुविधा में होती हूँ कि मैं शिव की पूजा करूँ या खाटू श्याम की पूजा करूँ। गुरुदेव दो नावों में पाँव, नदियाँ कैसे होगी पार। तो ये जया जी का प्रश्न है। जया, न तो कोई नदी है, न कोई नाव है, न ही पार होना है, न कोई पार होने वाला है। सारे भेद बुद्धि खड़े कर लेती है, फिर भेदों में उलझ जाती है। न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न कोई जाने वाला है। सब यहाँ है, अभी है। तुम्हें जहाँ पहुँचना है तुम वही हो। यही किनारा दूसरा किनारा है। डूबने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि तुम शाश्वत हो। तुमने कहा कि मैं खाटू श्याम की पूजा करती हूँ, तो सबसे पहले तो यह समझ लो कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक चेतना है, एक ऊर्जा है। वह चेतना की परम अवस्था है, उसका कोई नाम नहीं है। इसलिए तुम्हें जो रुचे, तुम्हें खाटू श्याम रुचे, तुम्हें कृष्ण कन्हैया रुचे, तुम्हें हनुमान रुचे, तुम्हें गणेश रुचे, काली भद्रकाली दुर्गा, जो भी तुम्हें रुचे, तुम उसी को ईश्वर मानकर अपनी साधना जारी रख सकते हो। अधिकतर महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर एक है, लेकिन मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि ईश्वर एक है, क्योंकि एक भी वहाँ होता है जहाँ दो की गिनती होती हो या कोई तीन हो। वहाँ कोई दूसरा नहीं है, वहाँ कोई तीसरा नहीं है, वहाँ कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए एक कहना भी सही नहीं हो। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, बुद्ध भी वही थे, नानक भी वही थे, सबके अंदर वही चेतना है। परम चेतना का जो रूप है उसे हम भगवान कह सकते हैं, और चेतना जितनी नीचे स्तर पर होती है उसे मनुष्य, उसके बाद पशु पक्षी, और फिर वृक्ष, यहाँ तक कि पत्थर। पत्थर चेतना का सबसे निचला स्तर होता है। और रही बात तुम्हारी नाव वाली, दो नावों में पाँव, नदियाँ कैसे होगी पार, कहीं भटक न जाओ। तो भटकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। भटकोगे तो भी उसी में ही रहोगे, दूर भी जाओगे तो रत्ती भर, इंच भर भी दूर नहीं जा सकते। दूर जाओगे कहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सो सकते हो या जाग सकते हो, बस इतना ही भेद है। पहुँच गए और न पहुँचे हुए में इससे ज़्यादा भेद नहीं। एक जाग गया, एक सोता, दोनों एक ही मंदिर में हैं। जागा हुआ भी वही है, सोने वाला भी पास ही बैठा है। यह पहुँचने की धारणा ही अहंकार की धारणा है। मैं पहुँचूं और जहाँ मैं खड़ा हुआ वहाँ डर पैदा हो गया कि कहीं राह में भटक न जाऊं, फिर हजार दुविधाएं खड़ी हो जाती हैं, फिर डर लगने लगता है कि दो दो नावों में सवार हूं। खासकर मेरे अनुयायी, खासकर जो मेरे भगत, खासकर के जो मेरे शिष्य, को तो डर लगेगा ही, क्योंकि जो पुराना संन्यास तो एकंगा था, पुरानी विधियां एकंगी थी, संसारी संसारी होता था, सन्यासी सन्यासी होता था, साफ सुथरा था मामला। लेकिन मेरा जो रास्ता है वह एकंगा नहीं है। मेरे सन्यास में जीवन के सारे रंग सम्मिलित हैं, जीवन की सारी विविधताएं सम्मिलित हैं। इसमें संसार भी है और उतना ही सन्यास भी है। इसलिए प्रश्न जया जी ठीक है, दो नावों में पाओ, नदियाँ कैसे होगी पार। अगर नदियाँ होती तो
तो मैं तुमसे न कहता कि दो नावों में पांव रखो। नदियां है ही नहीं, कहीं जाना नहीं, तुम जहां हो वहीं बस जाग जाना है। जैसे हो वैसे ही जाग जाना है, तुम जैसे हो वैसे ही परमात्मा में हो, वैसे ही परमात्मा ही हो, तुम ही परमात्मा हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, श्वास ले रहा है। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत थोड़ा है, लेकिन मन का गणित और है। मन का गणित हमेशा आकांक्षा में जीता है। मन यानी आकांक्षा, धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, फिर अगर इनसे छूट जाता है तो मन कहता है मोक्ष मिले, वैकुंठ मिले, निर्वाण मिले, स्वर्ग मिले। मगर मन जीता है किसी चीज के मिलने में, क्योंकि अगर कुछ मिलने की बात भविष्य में हो तो मन को फैलने में सुविधा होती है। फिर उपाय खोजो, ठीक उपाय खोजो, ठीक विधियां तलाशो, सपने देखो, योजनाएं बनाओ। कल जब घड़ी घट जाएगी सौभाग्य की तो आनंदित होंगे, और आज दुख भोगो, और आज सड़ो, आज किसी तरह टलो, कल होगा सूरज का उदय। मन तुम्हें आज में मिलने ही नहीं देता, और आज में परमात्मा मौजूद है, अभी यही इसी अक्षण। इसे न तो कभी कम होगा परमात्मा मौजूद, और न ही कभी इससे ज्यादा था मौजूद। इतना का इतना है, सदा से इतना है, और जागना चाहो तो अभी जाग जाओ। और अगर आज टालोगे तो क्या भरोसा कि कल नहीं टालोगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, फिकर छोड़ो जया जी, न तो नदी है, न नाव है, न कोई पार होने वाला है, न कहीं जाना है, वही है, एक है। वही है नदी, वही है नाव, वही है यात्री, वही है मांझी, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं। इसलिए ज्ञानियों ने इस जगत को सपने की भांति कहा है। सपने की भांति का अर्थ होता है, यदि तुमने अपने सपने का विश्लेषण करोगे तो तुम्हें यह बात समझ आ सकेगी। सपनों में तुम ही देखने वाले होते हो, और तुम ही दिखाई पड़ने वाले होते हो, कोई और होता ही नहीं। तुम ही दुख भोगते हो, तुम ही सुख भोगते हो, तुम ही दुख देते भी हो, और तुम सुख भी देते हो। सारा नाटक तुम्हारा है। अभिनेता भी तुम हो, दिग्दर्शक भी तुम, दर्शक भी तुम, मंच भी तुम, कथा लेखक भी तुम, गीतकार भी तुम, संगीतक भी तुम, सारा नाटक तुम्हारा ही है। और जिस अक्षण जागोगे उस अक्षण पाओगे कि सब खो गया, एक ही बचा, एक चैतन्य बच जाता है। वही चैतन्य सोने में भी है, लेकिन बहुत खंडों में विभाजित होकर नाटक कर रहा है। इसलिए जगत माया है, जगत एक सौपन है। किस नाव की बात करते हो आप जया जी, सब सपने हैं। किस नदी की बात करते हो, सब सपने हैं। और जिसको तुम सोच रहे हो तुम्हारे भीतर बैठा है और पार ले जाना है इसे, वह भी तुम्हारा सपना है। क्योंकि जो असली है वह तो पार ही है, वह तो सदा से ही पार है, वह आत्यंतिक अवस्था सदा ही सिद्ध की है। तुम सदा से ही बुद्ध हो, यही उद्घोषणा समझ में आ जाए तो सब जाल कट जाते हैं। मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ समझने को कह रहा हूँ। करने की बात ही नहीं है, और समझ में आ जाए तो बड़ी सरलता से बात हो जाती है। जब करने की बात ही नहीं तो कठिन तो हो ही नहीं सकती भावना। सरल तुम मन जान आए, परमात्मा बड़ी सरल घटना है और चुपचाप घट जाती है। पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती, जरा शोरगुल नहीं होता, मौन सन्नाटे में घट जाती है। पर जरा आंख तो खोलो, कुछ करने को नहीं है, कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुम वही हो ततो मसीह। इस जगत के सर्वाधिक अमृतमय वचन हैं, उनमें सबसे ऊंची कोटि पर रखा जा सके तो यह उद्घोषणा
करने वाला ही वचन है, ततो मसी। इसका अर्थ है तुम ही हो, तुम वही हो, तुम जरा भी अनथा नहीं हो। इसे दूसरे ढंग से ही कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में और ब्रह्म में जरा भी भेद नहीं है, तुम ही हो, तुम वही हो। और ख्याल रखना, जरा सा भी भेद नहीं है, भेद हो भी नहीं सकता। हालांकि तुम्हें भेद दिखाई पड़ रहा है, आभास मात्र है, जैसे रस्सी में सांप दिख गया हो सांझ के धुंधलके में। दीप जला लिया, रस्सी रस्सी दिखाई देने लगी, फिर तुम भी नहीं पूछते कि सांप कहाँ गया, क्योंकि तुम जानते हो सांप था ही नहीं। जो जागे हैं उन्होंने पाया है कि संसार था ही नहीं, परमात्मा ही था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, कहीं भागो मत, यहीं जागो, और यहीं जागने को कहता हूँ। इससे अड़चन शुरू होती है, इससे लगता है कि दो नावों में पाऊँ नदिया कैसे होगी पार। यह तुम्हारे गणित को अस्त व्यस्त कर जाती है बात, क्योंकि मैं कहता हूँ दुकान पर ही बाजार से संन्यस्त हो जाओ, जैसे हो वहीं संन्यस्त हो जाओ, क्योंकि संन्यास मेरे हिसाब से जीवन की शैली नहीं है। संन्यास जागने का दूसरा नाम है। पुराना संन्यास जीवन की एक शैली थी, एक आचरण विधि व्यवस्था थी, संसार से उलट। संसारी ऐसा करता है तो संन्यासी वैसा नहीं करेगा। संसारी धन कमाता है, संन्यासी धन नहीं कमाएगा। संसारी मकान बनाता है, संन्यासी मकान नहीं बनाएगा, अगर ही होगा। संसारी एक जगह रहता है, पर संन्यासी नदी के पानी की तरह बहता है। जो जो संसारी करता है उससे विपरीत संन्यासी करेगा। पर ख्याल रखना, वह संन्यास जो पुराना था संसार की प्रतिक्रिया थी, उसका निर्णय संसार में ही हो रहा था, संसार के विपरीत। संसारी सीधा खड़ा है तो संन्यासी सिर के बल खड़ा हो जाता है, मगर यह संसार संन्यास से बहुत भिन्न था। वह भी चित्त का एक आरोपण था, एक व्यवस्था थी, एक आचरण था। मैं जो रास्ता, मैं जो संन्यास, मैं जो उपाय, मैं जो रूप तुम्हें दे रहा हूँ, वह आचरण का नहीं है, वह बोध का है। तुम्हारी जीवन शैली नहीं बदलनी है। तुम अगर सोए रहे और तुमने करवट बाएं से दाएं ले ली तो भी क्या होगा, जीवन शैली बदल गई, मुख बाएं था अब दाएं हो गया। लेकिन तुम सोए अब भी हो, और निश्चित ही बाएं सोए थे, एक तरह सपना देखते थे, दाएं सोओगे तो दूसरी तरह का सपना देखोगे। क्योंकि जब तुम बाएं से दाएं बदल लेते हो तो तुम्हारे मस्जिद में खून की धाराएं बदल जाती हैं। तुम्हारे भीतर दो मस्तिष्क हैं, बायां मस्तिष्क अलग है, दायां मस्तिष्क अलग है। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात की पूछताछ कर सकते हैं, जब तुम एक करवट लेते हो तो एक मस्तिष्क काम करता है, तब तुम दूसरी करवट लेते हो तो दूसरा मस्तिष्क काम करता है, दोनों के सपने अलग अलग होंगे। जब तुम्हारी एक नाक से श्वास चलती है तो एक मस्तिष्क काम करता है, जब तुम्हारी दूसरी नाक से श्वास चलती है तो दूसरा मस्तिष्क काम करता है। क्योंकि जिन नाकों से तुम श्वास ले रहे हो उनमें नाड़ियाँ चलती हैं अलग अलग, एक है ईड़ा नाड़ी, एक है पिंगला नाली, एक को सूर्य स्वर कहा जाता है, दूसरे को चंद्र स्वर। इसलिए तुम्हारे भीतर विचारों के बड़े बड़े भावों का रूपांतरण होते रहते हैं। जरा देर तुम प्रसन्न दिखाई पड़ते हो, जरा ही देर में क्रुद्ध हो जाते हो, तुम्हारे मस्तिष्क बदल रहे हैं। हर 40 मिनट के करीब जब तुम्हारी श्वास बदलती है एक नासापुट से दूसरे नासापुट में, तब जरा ख्याल करना, तुम्हारी भाव दशा भी बदल जाती है। यह 24 घंटे होता रहता है। रात भी तुम करवट बदलते हो, बस भाव दशा बदल जाती है। शिव ओम, ओम काली।